तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की तरफ। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्लानिंग एंड व्हाट इज़ शेड्यूलिंग, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ या एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल जो हमने पहले भी लिया था, क्या एग्जाम्पल था कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ दी यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रॉक फाउंडेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रॉक फाउंडेशन इज़ अ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है आपके लिए। अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डिसाइड करोगे कि क्या करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है इसको, पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, पहले कौन सा आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट करवाना है, उसके बाद कौन सा आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक फाउंडेशन में कौन कौन से आइटम्स ऑफ वर्क होते हैं कि भाई पहले हमें एक्सेवेशन ऑफ फाउंडेशन करना पड़ता है, सेकंड हमें दी पोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कॉन्क्रीट है, उसके बाद थर्ड है स्टील रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है पोरिंग ऑफ 1:4 रेशो कॉन्क्रीट। फॉर एग्जांपल ये चार आइटम ऑफ वर्क्स हैं। तो इन चार आइटम ऑफ वर्क के लिए आप प्लानिंग करते हो कि कैसे इनको करना है और इसके इन चारों आइटम्स के लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए और कितना टाइम लगेगा। सो ये सर टाइम के बारे में हम यहाँ पर प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग पोर्शन में नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हैं कि आइटम कौन कौन से आइटम्स ऑफ वर्क्स लगेंगे। ठीक है, सो जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन भी थी कि टेकिंग डिसीजंस इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, यही था ना प्लानिंग की डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी थी। तो यही चीज़ होती है प्लानिंग में कि आपने प्लानिंग कर ली, डिसीजन कर लिया कि कौन कौन सा काम कैसे करना है, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। अब आते हैं शेड्यूलिंग पोर्शन में। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आप सीक्वेंस बनाते हो हर आइटम ऑफ वर्क का कि भाई पहले कौन सा आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट करना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट करना है और कितने टाइम में करना है, उसके बाद कितने आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट करना है और कितने टाइम में करना है। ठीक है, ये हो गया शेड्यूलिंग, मींस फिक्सिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क, फिक्सिंग द ऑर्डर ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क, इसको कहते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, अच्छा हर आइटम ऑफ वर्क को हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस एनी टास्क और वर्क, कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। सो ईच आइटम ऑफ वर्क इन द प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड एज द एक्टिविटी। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सेवेशन ऑफ फाउंडेशन, एक्टिविटी टू इज द कंस्ट्रक्शन पोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कॉन्क्रीट, एक्टिविटी थ्री या एक्टिविटी सी इसको बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको नाम देते हैं एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। एक्टिविटी ए हो गया, बी हो गया, एक्टिविटी सी इज द स्टील रीइंफोर्समेंट, एक्टिविटी डी विल बी अबाउट द पोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कॉन्क्रीट इन द स्टील रीइंफोर्समेंट। सो ये एक्टिविटी ए कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, एक्टिविटी बी कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, इस चीज़ को फिक्स जब करते हैं इसको कहते हैं हम शेड्यूलिंग, मींस फिक्सिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क आर ऑल एक्टिविटीज आर फिक्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ आर सीक्वेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क आर एक्टिविटीज, सिंपली एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आइटम ऑफ वर्क नहीं बोलूँगा, उसमें सिंपल बोलूँगा एक्टिविटी। सो एक्टिविटी जहाँ पर भी बोलूँ आपको समझ आना चाहिए कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक्टिविटी मीन्स टास्क और वर्क और एनी आइटम ऑफ वर्क। सो दैट वाज लिटिल बिट अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग में सिंपली प्लानिंग करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, इसी शेड्यूलिंग में हर चीज़ का सिक्वेंस फिक्स करते हैं। चलते हैं इसके लेक्चर की तरफ। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये आपको हमने जब स्टार्टिंग लेक्चर ले रहे थे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, वहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अ कलेक्शन प्रोजेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज़ कैरीड आउट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर
with a clearly defined start point and end point to achieve some specific result desired to satisfy the needs of organization at current time. ये हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन इस डिफिनेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, अ प्रोजेक्ट आर अ प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैज सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम, सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैज सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम. वो एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज का ग्रुप, कुछ एक्टिविटीज का सेट, कुछ एक्टिविटीज की कलेक्शन जिसके कुछ स्टार्ट टाइम हो और एंड टाइम हो. जैसे प्रोजेक्ट था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, तो उसमें एक्टिविटीज कौन से थे, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी एंड एक्टिविटी डी. हर एक्टिविटी के लिए हमारे पास स्टार्ट एंड एंड टाइम था कि भाई इसको आज सुबह 2 बजे स्टार्ट, आज सुबह 8 बजे स्टार्ट करना है और शाम तक 9 बजे तक ख़त्म करना है. ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इसका हो गया. सो एक्टिविटी बी का भी इस तरीके से स्टार्ट एंड एंड टाइम होगा, एक्टिविटी सी का भी होगा, एक्टिविटी डी का भी होगा. इसीलिए हम प्रोजेक्ट को सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं, द प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैज सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम. बाकी प्रोजेक्ट के डेफिनेशन को आप छोड़ दें, ये डेफिनेशन आप अपने माइंड में रख लें सिंपली. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज. कितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, कितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में. जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लिया है उसमें 4 नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं. इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर फॉर टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. इंटर रिलेटेड टू ईच अदर मतलब कि हर एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. इंटर रिलेटेड कैसे है कि भाई आप ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक्टिविटी ए को ख़त्म किए बगैर आप एक्टिविटी बी को शुरू करें. मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉरी एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन को ख़त्म किए बगैर आप फोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो शुरू नहीं कर सकते. लाजमी आपको पहले एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो दी फोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कंक्रीट. सिमिलरली फोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कंक्रीट कंप्लीट करने से पहले आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करो. हाँ, ये सिचुएशन हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आप उनको पैरेलली चला सकते हो. मीन्स एक ही टाइम पे 3 एक्टिविटीज़ को हो सकता है कर सकते हो, 2 एक्टिविटीज़ भी को कर सकते हो, तो उनका जो इंटर रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता. लेकिन इंटर रिलेशन का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी को फिनिश किए बगैर आप सेकंड एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो. मीन्स यू हैव टू फिनिश द फर्स्ट एक्टिविटी, देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी, बिकॉज द एक्टिविटी ए इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी बी इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए. एक्टिविटी बी कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट फिनिशिंग द एक्टिविटी ए. ठीक है, सो देर इज इंटर रिलेशन बिटवीन द ऑल एक्टिविटीज. अच्छा, एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर फॉर टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि जो भी ऑर्डर गिवन है उसके हिसाब से आपको उसको कम्प्लीट करना है. ऑर्डर कैसे, पहले एक्टिविटी ए को कम्प्लीट करोगे, फिर एक्टिविटी बी को कम्प्लीट करोगे, फिर सी को, फिर डी को. एग्जीबिशन, देन 1:4:8 रेशो कंक्रीट, देन स्टील रिइंफोर्समेंट, देन 1:4 रेशो कंक्रीट. ठीक है, इसलिए इसको इस डेफिनेशन में लाया गया है कि प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर टू बी एग्जीक्यूटेड कंस्ट्रक्टेड इन देयर ऑर्डर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, सो प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो गया, सिंपली अ सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैज सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम. अब आते हैं प्लानिंग की तरफ. प्लानिंग क्या है? सो प्लानिंग तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस व्हिच इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु शैल डू द वर्क. सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं व्हेन टू डू, व्हाट, हाउ टू डू एंड व्हेन, where to do the work or any task. ठीक है, owners wants their projects completed within a specified time and budget constraints. Planning defines the objectives of project and to identify different tasks and resources used for timely completion of project.
प्लानिंग में क्या होता है, हम टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टास्क एंड रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड हैं किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, हम वो डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से हमें हमारे पास सारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कितने रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो सारे आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, हर एक्टिविटी के बारे में हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने रिसोर्सेज चाहिए और इसमें कितना टाइम चाहिए। तो इस तरीके से हर एक्टिविटी के रिसोर्सेज को फाइंड करते करते हमें पूरे प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज का पता चल जाता है। इसीलिए ये बोलता है प्लानिंग डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टास्क एंड रिसोर्सेज यूज फॉर टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट में कितने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में हमें आइडिया दे देता है। प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट एंड प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। बिल्कुल, प्लानिंग आप एक एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज भी होता है। जो आपका जो पास्ट प्रोजेक्ट है उसके नॉलेज को यूटिलाइज करके आप जो भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो उसके आप आराम से प्लानिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 7-story building, ठीक है, और आपके पास पहले भी ये सेम प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 7-story building जो आप कंप्लीट करके आए हो। सो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 7-story building के नॉलेज को यूटिलाइज करके नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 7-story building उसको उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हो ईजीली बाई यूटिलाइजिंग द पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसिस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन द एक्सपीरियंसिस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट एंड द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। इन प्लानिंग फेज प्लान इज मेड अलॉन्ग विद द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा प्लानिंग की जाती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम चीज़ हैं। सो प्लानिंग ये सिंपल चीज़ है जिसको आप सिंपली अपने वर्ड्स में जैसे हम एक्सप्लेन करते हुए आते हैं कि टेकिंग डिसीजन इन एडवांस दैट व्हेन बाय एंड हाउ टू डू द वर्क। अब आते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के लिए मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, फिक्सिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ और ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज़ कॉल्ड एज शेड्यूलिंग। सो शेड्यूलिंग के डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑर्डर्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी एक्टिविटीज हैं उनके ऑर्डर को प्लेस करना और उनमें कितना रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये फिक्स करना, दैट इज द वर्क ऑफ शेड्यूलिंग। सिंपली द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सिंपल वर्ड्स में कि एक्टिविटी ए को पहले करो, एक्टिविटी बी को पहले करो, एक्टिविटी सी को पहले करो, या ऐसे ऐसे भी कभी कभी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि एक्टिविटी ए को पहले स्टार्ट करो, उसके बाद एक्टिविटी बी और सी को कंटिन्यूसली एक साथ ही स्टार्ट करो, फिर उसके बाद एक्टिविटी डी को स्टार्ट करो। ये भी कंडीशन हो सकता है, मीन्स पैरेलल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, सीक्वेंस एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। सीक्वेंस एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कंटिन्यूसली लगातार एक ही लाइन में चल रही हों कि एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा तो एक्टिविटी बी शुरू होगा, एक्टिविटी बी कंप्लीट होगा तो एक्टिविटी सी तो एक्टिविटी डी। ये है सीक्वेंस एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर पैरेलल एक्टिविटीज़ की बात करें तो पैरेलल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो दो एक्टिविटीज़ एट ए टाइम हम स्टार्ट कर सकें, तो उसको हम पैरेलल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम एक ही साथ पे कर सकते हैं, सो उनको हम पैरेलल एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शेड्यूलिंग गिव्स द क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क। अब प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लेते हो आप, प्रॉपर डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम बना लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हर स्टेज पे कौन कौन सा रिसोर्सेज चाहिए और कौन कौन से कितना टाइम चाहिए। ये है शेड्यूलिंग डायग्राम, एक्चुअली इसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। सो ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त बताऊंगा। अच्छा, शेड्यूलिंग कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम नीडेड फॉर ईच ऑफ द प्लान टास्क एंड द ओवरऑल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल। शेड्यूलिंग हमें बताता है कि भाई कितना टाइम रिक्वायर्ड है हर एक्टिविटी के लिए, हर टास्क के लिए, और
उसी को हम यूटिलाइज करके हमें पता चल जाता है कि टोटल प्रोजेक्ट टाइम कितना होगा, हर टोटल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना हो सकता है। हर एक्टिविटीज़ को टाइम जैसे ही आप दे दोगे तो लास्ट में आपको एंड में पता चलेगा कि इसमें टोटल प्रोजेक्ट टाइम कितना लगेगा। जैसे ये है एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल को इसको आपको समझाता हूँ। ये एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें तकरीबन कितने एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, ये कितनी एक्टिविटीज़ हो गए, 10 एक्टिविटीज़ होंगे। मीन्स कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10 एक्टिविटीज़ हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी को एक ही दिन पे स्टार्ट करो, सेम डे पे स्टार्ट करो। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही डे पे स्टार्ट किया। ये नोड होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि नोड क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये नोड है। नोड होता है, यहाँ से ये कोई भी ऐसे समझो पॉइंट है, मोमेंट है जहाँ से तीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, तीन एक्टिविटीज़ एट ए टाइम स्टार्ट हो रही हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे पैरेलल एक्टिविटीज़। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ही एट ए टाइम एक साथ स्टार्ट हो सकें। लेकिन एक साथ स्टार्ट तो हो सकती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो एक साथ फिनिश हो, क्योंकि उनका डिपेंड करता है उनके ड्यूरेशन पे, टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखें, एक्टिविटी ए के लिए बोल रहा है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक्टिविटी बी के लिए बोल रहा है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक्टिविटी सी के लिए बोल रहा है कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि एक्टिविटी ए बी और सी, सॉरी एक्टिविटी ए बी एंड सी हम एक ही दिन पे स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक्टिविटी ए पहले ख़त्म होगा, एक्टिविटी बी बाद में ख़त्म होगा, एक्टिविटी सी लास्ट में ख़त्म होगा, क्योंकि एक्टिविटी सी के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक्टिविटी ए जैसे ही ख़त्म हो तो उसके बाद एक्टिविटी डी को शुरू कर, एक्टिविटी ए जैसे ही ख़त्म होगा एक्टिविटी डी को शुरू कर दी जाएगा, और एक्टिविटी डी के लिए हमारे पास 4 दिन रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर बी बी के लिए बोल रहा है कि एक्टिविटी बी जैसे ही ख़त्म हो तो आप एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एफ को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ आपके नॉलेज में इजाफा करूँ कि ये एरोज जो होते हैं, एरोज ऑलवेज डिनोट्स द एक्टिविटी। ये एरो जो भी हैं यहाँ पर वो एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, और एरो में 2 चीज़ें होती हैं, एक टेल ऑफ एरो होता है, दूसरा हेड ऑफ एरो होता है। ठीक है, टेल ऑफ एरो एंड हेड ऑफ एरो। टेल ऑफ एरो ऑलवेज डिटरमाइंस और डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, एंड हेड ऑफ एरो ऑलवेज डिनोट्स द एंड ऑफ एक्टिविटी। इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जो मैं आपको एक्टिविटी और इवेंट के टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा उसमें ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी ये डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए तो आपके आपको थोड़े बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये टोटल नेटवर्क डायग्राम होता है। अब यहाँ पर देखें, हर एक्टिविटी के लिए टाइम गिवन है, तो अगर हर एक्टिविटी के लिए टाइम गिवन है तो हमें इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़े प्रोसीजर होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके सारों के टाइम को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल प्रोजेक्ट टाइम आ जाएगा, ऐसे नहीं है। सो इसके लिए एक और टेक्निक फॉलो करते हैं। अच्छा, टेक्निक होता है कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन, लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा उसके ड्यूरेशन को हम कहेंगे टोटल प्रोजेक्ट टाइम। अच्छा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, अगर हो सके किसी को समझ आ जाए तो मुझे फिर बताए कि इसका टोटल प्रोजेक्ट टाइम कितना होगा आफ्टर द क्लास। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी सीक्वेंस है उसको आप फॉलो करो और फिर उसका टाइम कैलकुलेट करो। जो भी टाइम उसके टाइम का एडिशन होगा दैट विल बी द टोटल प्रोजेक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, सीक्वेंस कौन सा है कि ए डी एच जे, ये एक सीक्वेंस हो गया, समझ आया, ए डी एच जे एक सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है, बी
डायरेक्टली एफ एंड जे, ये दूसरा सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस हो सकता है बी ई एच जे, ये भी सीक्वेंस हो सकता है। एक और सीक्वेंस हो सकता है सी जी आई एंड जे, ये भी सीक्वेंस हो सकता है। सो इन सीक्वेंस में से आप फिर सीक्वेंस में जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उनके ड्यूरेशन को ऐड करोगे, जिसका जिस सीक्वेंस का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आए, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस का 18 डेज आ रहा है, एक सीक्वेंस का 20 डेज आ रहा है, एक सीक्वेंस का 21 डेज आ रहा है। सो 21 डेज जिसका आए लॉन्गेस्ट आए, सो दैट विल बी द टोटल प्रोजेक्ट टाइम। अब देखते हैं कोई कैलकुलेट कर सकता है टोटल प्रोजेक्ट टाइम इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। अभी नहीं कैलकुलेट करें, जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा उस टाइम आप कैलकुलेट करना। ओके, मेरे ख्याल में यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में, शेड्यूलिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि सिंपली इट इज़ दी फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ और सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। तो ऐसे नेटवर्क डायग्राम बनते हैं जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिविटीज़ को एरो से डिनोट करते हैं। एरो में जो टेल होता है वो स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी को शो करता है, और हेड होता है एंड ऑफ एक्टिविटी को शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्टिविटी ए स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये एक्टिविटी ए एंड हो गया है। ओके, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन, लिटिल बिट नॉट, देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन, अ लॉट ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इन दोनों टर्म्स को इंटरमिंगल किया जाता है, इंटरचेंजेबल किया जाता है, यूजिंग मिसयूज यूज होता है। सो इस स्लाइड को पढ़ते हैं। देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हिच इज अ मिसयूज। शेड्यूलिंग कैन नेवर बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली विदाउट प्लानिंग। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है तो आपको शेड्यूलिंग भी प्रॉपर नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में होंगी, तो आप शेड्यूलिंग कैसे करोगे, उसको सीक्वेंस कैसे दे पाओगे। सो शेड्यूलिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग, बट प्लानिंग इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। द प्लानिंग पोर्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेट्स टू डेवलपमेंट द लॉजिक हाउ प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। बिल्कुल, प्लानिंग पोर्शन में ये होता है कि कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है। और शेड्यूलिंग कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लान विथ अ कैलेंडर और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। पर शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो भी वो पर्टिकुलर प्लान है उसको कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उस कैलेंडर के हिसाब से हर एक्टिविटीज़ को टाइम फ्रेम में रखा जाता है, टाइम दिया जाता है कि एक्टिविटी ए के लिए इतना टाइम रखेगा, एक्टिविटी टू बी के लिए इतना टाइम लगेगा, एक्टिविटी सी के लिए इतना। ठीक है, नहीं इसमें कोई इतना खास चीज़ नहीं है, स्लाइड में ये आप खुद पढ़ लेना। एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि एक्टिविटी होती क्या है। सो टर्मिनोलॉजी इज यूज इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, गौर से समझना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर आइटम ऑफ वर्क को हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। सो आते हैं एक्टिविटी की तरफ। एनी वर्क और टास्क व्हिच कंज्यूम रिसोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। कोई भी काम या टास्क जो रिसोर्स कंज्यूम करे और टाइम कंज्यूम करे उसको हम कहेंगे एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में है एक्टिविटीज़। कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं कि एक्टिविटी ए इज़ द एक्सेवेशन ऑफ फाउंडेशन, एक्टिविटी बी इज द पोरिंग ऑफ 1/4 रिक्वायर्ड होंगी और टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। रिसोर्सेज कौन से कि मेन मटेरियल, मशीन, जो भी मेन पावर्स हैं, या 5M जो भी हमने पढ़े हुए हैं, 4M ही इसको सिंपल बोल लो, मेन मटेरियल, मशीन एंड मटेरियल, ये
चार एम रिक्वायर्ड होंगे इस एग्जीबिशन और फाउंडेशन के लिए, और टाइम भी रिक्वायर्ड होगा कि भाई इस एग्जीबिशन और फाउंडेशन को 2 दिन चलाओ, 3 दिन चलाओ, 4 दिन चलाओ। सो एक्टिविटी इज सिंपली एनी वर्क और टास्क विच रिक्वायर्ड विच कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम। डेफिनेशन याद कर लेना, एक्टिविटी इज एनी टास्क एनी वर्क विच कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम। रिसोर्सेज मीन्स मैन मटीरियल मशीन एंड मैन पावर जो भी हैं, एंड टाइम इज द ड्यूरेशन एक्चुअली। एन एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन द डायग्राम, ऑन द नेटवर्क डायग्राम। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क डायग्राम है, ये पूरा नेटवर्क डायग्राम है। इस पूरे नेटवर्क डायग्राम में ये जो एरोस हैं ये डिनोट कर रही हैं एक्टिविटीज़ को, हर एक्टिविटी को, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी एंड ATC, एवरीथिंग जो भी है। सो एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन द नेटवर्क डायग्राम। ये जो एरो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, दिस एरो इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी, ये जो एरो है पर्टिकुलरली, इसमें जो टेल ऑफ एरो है दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और जो हेड ऑफ एक्टिविटी है या हेड ऑफ एरो है दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ एक्टिविटी। इसको मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है आपके लिए आसानी के लिए, कि टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड द हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट एंड ऑफ एक्टिविटी। सो दैट वॉज सिंपली रिगार्डिंग दी सिंपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटी। एक और चीज़ कि एरो जो भी होता है उसके ऊपर कोई भी अगर नाम गिवन हो, ए बी सी डी ई एफ, सो दैट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली। ए इज द नेम ऑफ एक्टिविटी, सो ये ए जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इस ए का मतलब एक्चुअली इज द एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन। ए मीन्स एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन, बी मीन्स द पोरिंग ऑफ 1:4:8 रेशो कॉन्क्रीट। सो इनको सिंपल नाम दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ए बी सी में लिखा जाता है। सो ए इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ एक्टिविटी एंड 2 days इज रिप्रेजेंटिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, द टाइम ऑफ एक्टिविटी, कि भाई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी 2 दिन में ख़त्म होना चाहिए, 2 दिन में ख़त्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मंडे से स्टार्ट कर रहे हो तो मंडे का पूरा दिन, ट्यूसडे का पूरा दिन और वेनसडे को ये ख़त्म होना चाहिए। मंडे को स्टार्ट हो और वेनसडे को ये ख़त्म होना चाहिए लाजमी। 2 डेज इसका ड्यूरेशन। सो इसमें जो एक्टिविटी है इसमें याद करने की कौन सी चीज़ें, कि एक सिंपल डेफिनेशन कि एक्टिविटी इज एनी वर्क और टास्क विच कंज्यूम रिसोर्स एंड टाइम, बाय एन एरो, थर्ड टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट एंड ऑफ एक्टिविटी, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द नेम ऑफ एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय ए बी सी व्हिच इज प्लेस्ड ओवर द एरो एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 days, 3 days, 4 days व्हिच इज प्लेस आइदर बिलो द एरो और अबो द एरो। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि आप बिलो द एरो प्लेस करो या अबो द एरो प्लेस करो। जैसे यहाँ पर देखें इस नेटवर्क डायग्राम में इन्होंने जो ड्यूरेशन है वो उसके साथ ही रखा है। ड्यूरेशन को नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, और इसके नोटेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ए इज इक्वल 1 मीन्स ड्यूरेशन, द एक्टिविटी ए हैज ड्यूरेशन ऑफ 1 day। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1, 1 B, 1 C, 1। सो डिफरेंट वेज आपको वहाँ पर कहीं पर भी नेटवर्क डायग्राम अगर कहीं पर देखो तो वहाँ पर डिफरेंट वेज आपको मिलेंगे नाम और ड्यूरेशन को प्लेस करने के लिए। सो इसको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए नेम एंड ड्यूरेशन आपको एरो के ऊपर या नीचे प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, एक्टिविटी मेरे ख्याल में आपको क्लियर है कि एक्टिविटी क्या होता है और एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट इज इवेंट, इवेंट को पढ़ते हैं उसके बाद बस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, इवेंट क्या होता है? इवेंट इज सिंपली अ मोमेंट और अ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। एक्टिविटी के लिए क्या था कि एक्टिविटी ऑलवेज कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम, लेकिन
इवेंट जो होता है, इवेंट इज सिंपली अ पॉइंट और अ नोटेशन, इसको सिंपली नोटेशन भी बोल सकते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इवेंट क्या होता है। इवेंट इज अ पॉइंट इन टाइम और मोमेंट एट विच एन एक्टिविटी स्टार्ट्स और फिनिशेस। जिस लम्हे, जिस मोमेंट पे एक्टिविटी स्टार्ट होगा उसको कहेंगे स्टार्टिंग इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट। और जिस लम्हे और जिस पॉइंट पे एक्टिविटी फिनिश होगा उसको कहेंगे फिनिशिंग इवेंट और एंड इवेंट। हो गया, समझ में आ गया? इवेंट इज सिंपली अ मोमेंट और अ पॉइंट इन टाइम एट विच एन एक्टिविटी स्टार्ट्स और फिनिशेस। सिंपल। एन इवेंट कंज्यूम्स नाइदर टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज, हेंस इट ओनली एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ सिस्टम और प्रोजेक्ट। सिंपली एक एक्सप्रेशन है जो हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है? अच्छा, एक्टिविटी को कैसे हम डिनोट कर रहे थे? एक्टिविटी को हम डिनोट कर रहे थे विथ एन एरो, लेकिन इवेंट को हम डिनोट करते हैं विथ अ सर्किल और अ ट्राइंगल और अ रेक्टेंगल विथ अ नंबर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट पहले पढ़ते हैं। इवेंट इज अ स्टेज वेयर ऑल प्रीवियस जॉब्स और एक्टिविटीज मर्जिंग इन इट आर कम्प्लीटेड एंड जॉब्स बर्स्टिंग आउट आर स्टिल टू बी कम्प्लीटेड। इस पॉइंट को आप छोड़ दें, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पॉइंट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और ट्राइंगल और रेक्टेंगल विथ नंबर। टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा इसको अपन रिप्रेजेंटेड करते हैं सर्किल से या ट्राइंगल से या रेक्टेंगल से। जैसे यहाँ पर गिवन है ये सर्किल, सर्किल के अंदर आई लिखा हुआ है, मीन्स इसका मतलब है आई नोड और आई इवेंट। जे जैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जे इवेंट और जे नोड। इवेंट को हम नोड भी बोलते हैं। सो ये जो सर्किल है इसको आप नोड बोल सकते हो, सिंपली नोड या इवेंट, ठीक है? तो एक, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एक नोड हम देते हैं या इवेंट देते हैं। जैसे ही देखें ना, एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है तो टेल ऑफ एक्टिविटी, टेल ऑफ एरो डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, सो वी प्लेस नोड ओवर द टेल, वी प्लेस नोड ओवर द हेड। सो द टेल रिप्रेजेंटेड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड द नोड ओवर दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट नोड आर इवेंट। और जो एंड पे जो भी होता है एंड, उसको हम कहते हैं एंड नोड आर इवेंट, ठीक है? जिससे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक्टिविटी आई जे द स्टार्ट नोड आई एंड कंप्लीशन नोड ऑफ दिस एक्टिविटी कैन बी कंसिडर्ड एज इवेंट्स। सो ये पर्टिकुलर इवेंट है, ये पर्टिकुलर डायग्राम है, इसमें जो ये सर्किल गिवन है ये इवेंट्स हैं, ये जो सर्किल है ये इवेंट है। सो यहाँ पर जैसे नेटवर्क डायग्राम में आए, ये नेटवर्क डायग्राम है, इसमें जो एरोज हैं वो डिनोट कर रही हैं एक्टिविटीज़ को, और जो सर्किल हैं वो डिनोट कर रहे हैं नोड को। सो ईच नोड इज डिनोटिंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एंड ऑफ एक्टिविटी। सो नोड वन इज डिनोटिंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए बी एंड सी, नोड टू इज डिनोटिंग द एंड ऑफ एक्टिविटी ए एंड इट इज ऑल्सो डिनोटिंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डी। देखें नोड टू के बारे में अगर सिंपली बोले कि नोड टू इज डिनोटिंग द एंड ऑफ एक्टिविटी ए एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डी। इसी तरीके से सी के नोड थ्री के बारे में बात करें कि नोड थ्री इज डिनोटिंग द एंड ऑफ एक्टिविटी बी एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ई एंड एफ। ठीक है, इस लेक्चर को बेटा गौर से सुनना, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में काम आ सकते हैं। सो इवेंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बर्स्टिंग क्या होती है और मर्जिंग क्या होती है। जो सेकंड पॉइंट है, इवेंट इज अ स्टेज वेयर ऑल प्रीवियस जॉब्स और एक्टिविटीज मर्जिंग इन इट आर कंप्लीटेड एंड जॉब्स बर्स्टिंग आउट आर स्टिल टू बी कंप्लीटेड। ये है मर्जिंग और ये है बर्स्टिंग। मर्जिंग का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। अच्छा, मर्जिंग का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो अभी तक, वो जो एक्टिविटीज़ जो कंप्लीट हो गई हैं। सो दिस एक्टिविटी इज मर्जिंग इवेंट। और बस्टिंग का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं या वो एक्टिविटीज़ जो इवेंट से निकल रही हैं, सो उनको हम कहते हैं बस्ट एक्टिविटीज़ या बस्ट इवेंट। सो यहाँ पर जो नीचे डायग्राम है इसमें देखें, अगर नोड
6 की बात करें तो नोड 6 में ए एंड बी आर द मर्जिंग एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटी सी इज बर्स्टिंग एक्टिविटी। सिंपल नोड 6 की बात कर रहे हैं क्योंकि नोड 6 में ए एंड बी मर्ज हो रहे हैं और ए सी जो है वो निकल रहा है इसमें से, बर्स्ट हो रहा है। तो मर्जिंग का मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज जो कंप्लीट हो चुकी हैं, और बस्टिंग का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जो अभी स्टार्ट होना है। नोड 6 के बारे में ए एंड बी आर कंप्लीटेड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मर्जिंग एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी सी इज बस्टिंग आउट सो इट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी सी इज नाउ स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, नोड नंबर 4 पे देखें कि नोड नंबर 4 में एक्टिविटी ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, सॉरी द एक्टिविटी ए इज द मर्जिंग एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बी एंड सी आर द बर्स्टिंग एक्टिविटीज। सो आपको पता होना चाहिए मर्जिंग एक्टिविटीज एंड बर्स्टिंग एक्टिविटीज क्या हैं। वो एक्टिविटीज जो इन हो रही हो किसी भी नोड पे वो मर्जिंग एक्टिविटीज हैं, वो जो निकल रही हैं वो बर्स्टिंग एक्टिविटीज हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपली अगर नोड 3 की बात करें तो नोड 3 में बी एक्टिविटी इज अ मर्जिंग एक्टिविटी और ई एंड एफ एक्टिविटी इज द बर्स्टिंग एक्टिविटी।